अस्सलाम वालेकुम। सो आज मैं ये वीडियोस कर रही हूँ। पहली वीडियो मैंने की थी, आपको कुछ सोइंग रूम का हवाला दिया था। यह है मेरा वर्क स्टेशन। यहाँ से मैं जो अपनी सेल्स वगैरह करती हूँ और जो भी मैं कपड़े वगैरह शो करती हूँ, तो आज मुझे थोड़ी सी रिलीफ है कि आज हमारा यूके के लिए जो सामान था, ये तमाम जगह जो आप देख रहे हैं ये फुल थी विद बैग्स एंड बैग्स एंड बैग्स ऑफ स्टफ दैट वाज गोइंग टू द यूके। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक हम बिज़ी हैं और काफ़ी हद तक हमारे ऑर्डर्स बे इंतहा हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आज कल में हमने सिलाई करना है और फिर यहाँ इस कमरे में दिस फाइल्स एंड फाइल्स। इंशाल्लाह आज का मेरा प्रोग्राम है कि मैं इन कमरों में रक्स लगाऊंगी और इन तमाम कपड़ों को ऑर्डरली तौर पर कुछ ना कुछ सॉर्ट करूंगी, ताकि कुछ पता चले कि क्या क्या हम किस टाइम शेड्यूल में सिलाई करना है। तो यह तमाम आप देख सकते हैं कि जो हमारे आने दिनों में जो ऑर्डर्स हमने तैयार करने हैं, इसमें कुछ कुछ ऐसे सूट्स हैं जो कि जैसा आप देख रहे हैं, ये ओरिजिनल अकबर असलम, मारिया बी और भी बहुत बड़े ब्रांड इलान के सब ब्रांड नेम्स हैं जो हमने सिलाई करने हैं। उनकी सिलाई जो है वो काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। जैसा कि आप ये ब्रीज़ा के देख सकते हैं, आम स्टैंडर्ड सूट तो सिलाई करना हो वो तो कोई भी सिलाई कर लेगा, लेकिन अगर आपने इसको एक अंदाज से खूबसूरत तरीके से सिलाई करना है, फिर आपको क्वालिफाइड टेलर्स की ज़रूरत है। तो ये वीडियो मेरा करने का मकसद क्या है, ये मकसद मेरा जो है वो आप दरख्वास्त थी, एक रिक्वेस्ट थी, एक अपील थी सब लोगों से कि अगर आपको पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि हर बंदा कंप्लेन करता है कि हमारे पास जॉब नहीं है, हमें जॉब चाहिए, हमारे हालात जो हैं वो टाइट हैं, लेकिन अक्सरियत में ये देखा गया है कि यहाँ के लोग जो हैं वो थोड़े से सुस्त हैं या उनको चेंजेस जो हैं वो नहीं चाहिए। इफ़ यू आर स्टक, अगर किसी रट में स्टक हैं, एक तरीका उन्होंने अपनाया हुआ है तो वो उसी पर चलने को तैयार हैं, लेकिन उसको तब्दील करने के लिए तैयार नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ थी, हमने गुजरे इसमें देखी थी, हमारा हुक्मरान जो था इमरान खान, तो उसने हमें तब्दीली का एक बहुत सारी वास्त नसीहत की थी कि हमने मुल्क में तब्दीली लानी है और तब्दीली आएगी, लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ के लोग जो है तब्दीली नहीं चाहे पसंद करते थे और उन्होंने उसको भी नहीं पसंद किया तो गवर्नमेंट आउट हो गया। तो अफसोस की बात है, लेकिन लॉन्ग टर्म यह नहीं है, इंशाल्लाह वो वापस आएंगे और हमें आम लोगों का अपना नज़रिया जो है वो बदलना होगा काम की तरफ। अगर आप किसी भी मुल्क तरक्की आप मुल्क को देखें तो उनको देखेंगे कि उनमें यह सलाहियत है बदलने की, और अफसोस की बात है कि हम बदलने को तैयार नहीं हैं। मैं अगर अपने आप को देखती हूँ, यू नो आई एम ऑलमोस्ट अप्रोचिंग 60 एंड मैं काम की जो है इतनी पाबंद हूँ और इतनी मतलब ये एक काम मैं इसलिए नहीं करती हूँ कि मेरी एक ज़रूरत है, मैं करती हूँ एक मोटिवेशन और इंस्पिरेशन के लिए कि, और अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए भी करती हूँ कि काम करने से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सेहत बहुत बेहतर है। मैं अगर अपनी उम्र की औरतों को देखूँ, अपने इसकी देखूँ, तो वो बिल्कुल जो है बैठ जाती हैं। तो इन्हीं वजहों से जो है मुझे अच्छा लगता है अपने आप को कीप माई सेल्फ ऑन द गो, और मैं दूसरों को भी यही पुश करती हूँ और इनक्रेज करती हूँ कि आप अपने आप को कभी भी गिराने ना दें, अपने आप को पुश करें टू द लिमिट। सो ये वीडियो जो है ये कर रही हूँ, किस लिए कर रही हूँ कि आप सब लोगों से थोड़ी सी जो है करूँ कि हम लोग आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि हमारे साथ मिलकर काम करें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इतने क्लाइंट्स हैं कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। जैसा कि मैंने आपको कमरे में दिखाया है हमारे पास कितना ऑर्डर्स हैं, और यहाँ मेरा पाकिस्तान आने का मकसद था कि मैं जाकर कुछ लोगों को ट्रेन करूँगी और एक अपनी टीम बनाऊँगी जिस टीम के साथ हम मिलकर काम करेंगे, और फिर काम ऐसा करेंगे कि एक मतलब आई डोंट नो एक फ़ख्र से जो है ना, मतलब कोई हमारा कपड़ा सिला हुआ पहने तो उनको भी फ़ख्र हो, वो दोबारे किधर जाने को तैयार ना हो। लेकिन ये सब काम करने के लिए जो है पहले सैक्रिफाइसेस देने पड़ते हैं। जैसा कि आज अभी रमज़ान का महीना है और रात को हमने कितनी 5 बजे तक हमने काम किया और फिर 3 घंटे आराम करने के बाद हमने उठ कर फिर दोबारे काम शुरू किया। तो अभी जो है मेरा सामान अभी नीली 12 o'clock है, तो अभी सामान गया है और थोड़ा सा मुझे रिलीफ मिला है।
तो ये सैक्रिफाइसेस हैं, लेकिन अगर सैक्रिफाइस नहीं करेंगे तो आप हासिल कुछ नहीं करेंगे। तो आई होप ये कोई वीडियो मेरी देखता होगा, उसको थोड़ी सी इंकरेजमेंट मिलेगी, इंस्पिरेशन मिलेगी, और वो मुझसे रब्ता करेगा और वो कहेगा कि मैं आपकी टीम को ज्वाइन करना चाहता हूँ, मैं एक जो है आधा टेलर मास्टर बनना चाहता हूँ। इस वक्त हमारे पास जो है मासिक शॉर्टेज है वर्कर्स की, और जब रमज़ान शुरू होने वाला था और शुरू में मैंने 2 दिन जो है लोगों के इंटरव्यूज़ लिए, तो यहाँ अफसोस की बात है कि बहुत सारे लोग आए, लेकिन जब वो हमारी सिलाई की मियार देखते हैं, जो हमारा स्टैंडर्ड है उसको देखते हैं, तो वो फिर दोबारा चेहरा नहीं दिखाते। मतलब कि सेकंड क्वालिटी का काम हम सब करने को तैयार हैं, हमें बस पैसा मिले, हम जल्दी जल्दी करके भाग जाएं, तो उसके लिए तो सब तैयार हैं। ऐसे लोग हैं जो मेरे मुझसे काम लेकर गए हैं, उनको फिर मैंने दोबारा नहीं देखा। कुछ किसी ने क्या बहाना बना दिया, किसी ने क्या बहाना बनाया, कोई जो है वो पहले दिन ही जो है वो फेल हो गए। तो ये काम जो है इतना आसान नहीं है, इसके लिए हमें अपनी टीम तैयार करनी होगी, उनको ट्रेनिंग देनी होगी, और ट्रेनिंग के लिए आपको कोई भी जॉब आप करते हैं तो उसके लिए आपको कुछ वक्त जो है मुयसर करना पड़ेगा, और उसके लिए कुछ काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जब आप कहते हैं ना, मेहनत का फल जो है वो बहुत मीठा है, एक दफ़ा आप तजर्बा करके, एक मेहनत करके आप काम करेंगे तो इंशाअल्लाह क्या होगा कि उसका फिर फल आप सारी उम्र पाएंगे। और यही मेरा मकसद है कि इंशाअल्लाह हम अपनी टीम ऐसी बनाएं जिस पर आपको फ़ख्र हो कि आपका लिंक मेरे साथ है, और मुझे फ़ख्र हो कि मेरा लिंक आपके साथ है। ये एक ऐसा बंदा है, अगर मुझे छोड़कर भी चला गया है, किधर भी जाकर ये जॉब करता है, तो इसका काम ऐसा है, इसमें एक चीज़ ऐसी पाई जाती है जो कि उसके साथ सारी उम्र रहेगी। तो ये अगर आपको इस मेरी बातों में कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, अपने लिए एक क्या है नज़र आ रहा है, अपने लिए एक फ़ायदेमंद कुछ चीज़ नज़र आ रही है, देन यू नो आप मुझसे रब्ता करें, मेरे साथ जो है बातचीत करें। इंशाअल्लाह रमज़ान के बाद हम कुछ ना कुछ ट्रेनिंग की क्लासेस शुरू करेंगे, जिसमें मैं चाहती हूँ कि हमें मैक्सिमम बंदे मिलें जो कि हमारे साथ मिलकर जो है छोटा मोटा काम करके फिर अपने इसको बढ़ाएं, यू नो जज्बा बढ़ाएं, जज्बे के साथ मेहनत करें, मेहनत के साथ जो है दिल लगाकर लगन से काम को सीखें और उसकी अंडरस्टैंडिंग पाएं, ताकि आगे जाकर यू नो जो बेइंतहा काम हमें मिल रहा है उसमें आपको भी उस फल में हिस्सा मिले। तो इंशाअल्लाह मैं उम्मीद रखती हूँ कि मेरी वीडियो जो है सब लोग देखेंगे, पसंद करेंगे और रब्ता करेंगे। मैं वीडियो के नीचे जो है अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह बताऊँगी, और उम्मीद रखूँगी कि बहुत सारे लोग जो है मुझसे रब्ता करेंगे, वीडियो को वायरल करेंगे, ताकि पाकिस्तान में एक बंदा है वो आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है और आपको बोल रहा है कि आप आएँ हमारे साथ, हम आपको ट्रेनिंग देते हैं एक ऐसी चीज़ की जिसकी डिमांड है दुनिया में, इस चीज़ की डिमांड है, क्योंकि कपड़ा तो हर कोई बेचता है, लेकिन क्वालिफाइड, गुड क्वालिफाइड, समझदार टेलर्स की बहुत सख्त ज़रूरत है। वी गो खाओ बॉयज़ जो बदतरीन काम तो हर जगह में करते हैं, लेकिन उनके पास कोई भी नहीं जाना चाहता। मेरी सिर्फ मुझसे लोग किस लिए बार बार, आई मीन मेरी इस वक्त डाउनफॉल क्या है कि वर्कर्स की शॉर्टेज की वजह से मैं टाइम पर काम ऑर्डर्स मुकम्मल नहीं कर पा रही, ठीक है। लेकिन ये एक बंदे का जॉब नहीं है, ये टीम का जॉब है, लेकिन टीम बनाने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि यू नो आई एम ऑफरिंग अन अपॉर्चुनिटी। हमारे लोग भागकर इतने पैसे खर्च कर दूसरे मुल्कों को जाते हैं, जो कि हमारे अपने मुल्क में जो चीज़ें हमें मुयसर हैं उनसे फ़ायदा नहीं उठा रहे। सो प्लीज़ प्लीज़ आई मेक एन अपील टू एनी वन हु इज़ लिसनिंग टू माई वीडियो, यू नो कॉन्टैक्ट मी, जॉइन आवर टीम, कम एंड बिकम एन अप्रेंटिस एंड ट्रेन योर सेल्फ टू हैव अ बेटर फ्यूचर। इंग्लिश में तो बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं आप सब लोगों के दोबारे उर्दू में बता देती हूँ। सब लोगों से जो भी सुनेगा, अगर कोई सिस्टर है, कोई मदर है, कोई बहन है जो मेरी वीडियो देख रही है और उसका बेटा है, नकम्मा है, कुछ कर नहीं रहा, लेकिन छोटा मोटा किसी दर्जी की दुकान पर बैठा हुआ है, तो आप उसको इंकरेज करें कि आप आंटी जान के पास जाएं और वो आपकी मदद करेगी, आपको ट्रेन करेगी। मैं अपने बच्चों की तरह उनकी ट्रेन करके एक इसमें उनको फ्यूचर देना चाहती हूँ। तो ये फ्यूचर अगर आप भी अपने बच्चे के लिए, अपने किसी भी
ज़्यादातर इफ़ इज़ अ यंग पर्सन, उनको ट्रेन करके उनको एक रास्ते पर लगाना अल्हम्दुलिल्लाह दैट इज़ अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट। नाउ 10 मिनट की ऑलमोस्ट वीडियो हो गई है, सो इंशाल्लाह आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ यू। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।